बहुजन समाज पार्टी बस्ती श्री माधव राजभर श्री अमरचंद्र यादव श्री दिनेश मौर्य श्री अरशद फरीदी श्री अभिषाक अहमद खान सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपना अपना आसन ग्रहण कर ले। हमारे आपके बीच में हिंदू सम्मानित साथियों से निवेदन है कि प्रेस की कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसलिए आपसे अनुरोध है। क्या है बीजेपी से मुकाबला कर क्या है? तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना? अब बहुत करीब पहुंच गए, हो सकता ज्यादा सूचना मिल जाए। अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है। घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। यहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा, इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी सुन करके बता रहे हो, कोई अपनी बात बताओ। वाले को कोई नहीं रोक सकता, और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार रहते हैं, और वहीं वो कारोबार भी करते हैं तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं,
हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सेवी साथ हैं। जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको घर जैसा लगेगा, ये आप अपनी पार्टी में वापस आएंगे। इस पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, ये तो भगवानों के नाम हैं। कौन नहीं है, मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता हुआ चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। सर इसी में वो क्रेजी। तो ऐसा कोई नहीं है। Yes, sir. हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। ये एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की ध्वजियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और साथ में हमारे समाजवादी पार्टी, जिसकी मैंने आज दिल से सदस्य हैं भाई हार्ट, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल जी, जिन्हें हम प्यार से चाचा कहते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पार्टी के बहुत बुजुर्ग प्रवक्ता हैं, सीनियर हमारे और हमारी पार्टी के और हम सब के लिए गार्जियन स्वरूप हमारे आजमगढ़ के हम लोग ने बाबूजी भी कहते हैं आदरणीय बलराम यादव जी, साथ में हमारे मौजूद हैं, हमारी तो मित्रता रही है चाहे हम लोग किसी दल में भी रहे हों, हमारे दुर्गा प्रसाद यादव जी, और हमारे ये बगल में बैठे हुए भारी भरकम पप्पू भाई, गुड्डू भाई हमारे हमनाम। सच्चाई ये है कि मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि यकीनन मैंने बहुत ही ज़्यादा डिवोशन देखा इनका पार्टी के लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। मेरा जी चाहता है कि मैं और ये दिन भी शायद इन्हीं लोगों के प्रयास से आया है कि बड़े ही डिवोशन के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें हमारी कई राउंड हुई और उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं ये सही कह रहे हैं। तो गुड्डू भाई आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारी पार्टी के आजमगढ़ के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे वरिष्ठ साथी जो पहले सांसद भी रहे हैं दरोगा प्रसाद जी, सभी जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले हम गुड्डू जमाली जी का स्वागत करते हैं, उसके बाद उनके सर और प्रसन्नता की बात है कि आज गुड्डू जमाली और उनके सभी साथी बसपा को छोड़ करके
समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। गुड्डू जमाली जी, आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए हैं, उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं, उनका उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है, तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं। समाजवादी पार्टी के हमारे सबसे वरिष्ठ नेता आर्य बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री विधायक दुर्गा यादव जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और जानकार और सूझबूझ रखने वाले हमारे कई बार के विधायक, कितनी बार हो गया बोल रहे सुन नहीं पा रहे हैं, पांचवी बार अभी 90 के नहीं हुए। नफी से लेकर के संग्राम और हमारी पार्टी के, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैं सबसे पहले शाह आलम गुड्डू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मैं उनका स्वागत करता हूं भैया, उनके साथ साथ उनके सभी सहयोगी साथी जो आज इस हॉल में हैं, और लाखों संख्या में जो आ नहीं पाए हैं, जो पूरे प्रदेश में जगह जगह पर हैं, मैं उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे, किन्हीं परिस्थितियों किन्हीं किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस चाहे हम कहीं चाचा मानी संग्राम यादव भाई, हम लोग साथ में थे, हम लोग हम उम्र हैं, दोस्त हैं, और हमारे हमारा हम हमसे छोटे ही होंगे, नफीस जी हमारे विधायक, हमारे साथी बेचई सरोज जी, माननी पूजा सरोज जी पटेल, पूजा सरोज जी, माननी एच एन पटेल साहब, माननी विधायक मुबारकपुर श्री अखिलेश यादव जी, माननी रमाकांत राजभर पप्पू जी, कमलाकांत
पूर्व सांसद नंदलाल भाई, नंदलाल किशोर, नंद किशोर यादव जी, माननीय लाल बिहारी यादव साहब एमएलसी, माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक ब्रिजलाल भाई, हमारे माननीय मंत्री पूर्व करेली साहब बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक माननीय श्याम बहादुर यादव जी, और हमारे काफ़ी क्लोज है मेरी फैमिली के करामतुल्ला और सफातुल्ला भाई भी चल के आए हैं सर पार्टी अगर किसी का नाम, हमारे रामचंद्र राजभर साहब बैठे हैं हमारे लिए गार्जियन स्वरूप है, क्योंकि हम लोग अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो मैं माफी के साथ आप सभी साथियों का जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हाँ हाँ आप तो मेरे साथ है ही, हमारा तो हमको तो जब आप कब्र पहुँचा देंगे तब साथ छूट। माननीय अध्यक्ष महोदय एक दिलचस्प बात जरूर बताना चाहता हूँ, एक दो बात, एक मिनट सब नुमानी साहब, कुछ साथी ऐसे हैं इसमें सच बताऊं जो बसपा के गठन के समय से उसमें थे, अब ये इनके साथ ये संकट हुआ जब हमने बताया तो हमने कहा यार, इन लोगों ने कहा आप जहां जा रहे हो हमको भी ले चलो, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो ही इज वन ऑफ देम, ही इज वन ऑफ, एक लाख भाई हैं और भी बहुत सारे अनुमार भाई, ये लोग मैं नहीं समझता कि किस दिल से, बहरहाल मैं आप सबका एहसान मंद हूँ, लेकिन एक बात याद ज़रूर कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई परिस्थितियाँ देख के कोई सौदा करता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूँ, और ये जो मैंने डिसीजन लिया ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का ही किसी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय आलम भट्टी साहब आप भी भैया मोबाइल नीचे करो जाएगा किया जा रहा है मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बारी बारी से जो लोग मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कुछ थोड़ा मेरी वर्तित क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता, अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा छोटे भाई की तरह, लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे, मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे, हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुंडे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है इसमें बसपा में, जरूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा, मैं उनका एहसान मंद भी हूं, मैं बेबाक आदमी हूं, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूं, उनका बहुत प्रेम रहा, लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम, मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कि हम लोग समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपका एहसान मंद हूं, जितना इज्जत मुझे आपने बख्शी है आज इतना काफी है मेरे लिए, इसे दादा की लालच नहीं रखता, और हम लोग मैं अपने सारे कुंडे से इवन समाजवादी पुराने भाइयों से, मेरे भाइयों मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ हम लोग इतना मिल के काम करें कि हमारे बीच में किसी भी तरह का ना गोल हो ना गुलती हो ना मतभेद, क्योंकि जब हम लोग मिल के लड़ेंगे तो कोई ताकत हमारा सामना नहीं कर सकती, बहुत बड़ी ताकत है, ये लोग खोखले हैं, डरे हुए हैं, इसलिए डरे हुए हैं कि अगर डरे ना होते तो ये डरा के रोकना चाहते हैं सबको, हम लोग उन लोगों में से हैं कि मिट सकते हैं मगर डर नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आखिर में हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद देता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आजमगढ़ से मेरे भाइयों जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही है, ये गुड्डू जमाली तो तुम्हारा है, मेरा जनाजा भी तुम लोग लेके जाओगे, यही मोहब्बत यही प्यार आपका मेरी ताकत है, और मैं भी आपका वफादार हूँ, आप लोग मेरे लिए आए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, इसी के साथ विदा लेता हूँ,
नमस्कार, खुदा इतने झूठे, बताओ राम की कसम तो खाते हैं और राम की भी झूठ बोलने का काम करते हैं। बताइए हम सब लोग राम को मानने वाले हैं तो इतने झूठे लोग हैं, तो आज हम सब लोग तय कर लेंगे 2024 में से हिंदुस्तान से इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो आज हम गुड्डू जमाली जी का और सभी जितने उनके साथ आए हैं उन सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाकी मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारे देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाई हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में है भाई, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बींग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हां में हां मिलाता हूं। इसलिए अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से यह दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ और इस मंच से।